हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे पेरिनियम के ऊपर। तो देखिए, अगर आपको किसी भी पेशेंट की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपका उसको पेरिनियम वाला पोर्शन देखना है तो आपको उस पेशेंट को लेटाना पड़ेगा लिथोटोमी पोजीशन पर। अब ये क्या होती है, देखिए, जब भी कोई हम लेडीज़ की डिलीवरी करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है या फिर डिलीवरी के टाइम जिस पोजीशन पर हम लेडीज़ को लेटाते हैं वही होती है लिथोटोमी पोजीशन। तो ऑफ कोर्स हमें पेरिनियम कहाँ दिखेगा, इन्फीरियर व्यू पर। जब हम इन्फीरियर व्यू तो होगा ना, ऑफ कोर्स जो यूरिथ्रा होगा, वजाइना होगा एंड एनस होगा, तो ऑफ कोर्स इन्फीरियर साइड होते हैं। तो हम लिथोटोमी पोजीशन पर देखते हैं पेरिनियम को, या फिर बोल दीजिए हम देखते हैं इन्फीरियर व्यू। ओके, अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पर पेरिनियम को ड्रॉ करना है, मतलब हमें लिथोटोमी पोजीशन को देखते हुए अगर पेरिनियम ड्रॉ करना है तो मुझे यहाँ पर चार पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। चार पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट होगा हमारे पास आगे तो वन पॉइंट, एक पॉइंट होगा हमारे पास पीछे तो टू पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट होगा ये, एंड चौथा पॉइंट होगा ये। ओके, तो मुझे ऐसे फोर पॉइंट ड्रॉ करने हैं। अब ये फोर पॉइंट क्या है, ये काम की बात है। ओके, तो सबसे पहले सबसे आगे वाला क्या होगा, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन पर लेटाकर। ओके, पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन पर लेटाकर, तो सबसे आगे क्या होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस सबसे पीछे की, सबसे पीछे वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज द कॉक्सिक्स टिप, COCCYX। ओके, कॉक्सिक्स होते हैं ना, सर्वाइकल थोरेसिक लंबा सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स मतलब वर्टिब्रा की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कॉक्सिक्स टिप एंड लेटरल साइड क्या होगी, इधर और इधर, इस साइड होती है ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी का एंटीरियर पार्ट, तो दिस इज ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी का एंटीरियर पार्ट। ओके, तो हमारे पास ये फोर पॉइंट हो गए, और इन फोर पॉइंट के बीच का पूरा एरिया क्या होता है, पेरिनियम। तो चलिए अब हम इन फोर पॉइंट्स को मिला देते हैं आपस में। तो ये मैंने यहाँ पे डॉट 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 लाइन खींच दी, एक डॉट डॉट इधर खींच दूंगा। ओके, एक इधर खींच देते हैं और एक इधर। ओके, तो ये है पूरा का पूरा हमारा पेरिनियम। अब देखिए, इस पेरिनियम को हम टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक स्क्वायर टाइप का बन गया ना, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे वाला होता है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, पीछे वाला होता है एनस ट्राइंगल। क्योंकि हमने बोला ना, इसमें क्या होती है, यूरिथ्रा होता है, वजाइना होती है और एनस होता है, तीन चीज़ें होती है। अब इन द केस ऑफ मेल, मेल में क्या होगा, यूरिथ्रा एंड एनस, एंड इन द केस ऑफ फीमेल क्या होगा, यूरिथ्रा वजाइना एंड एनस। ओके, तो आगे वाले ट्राइंगल को बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। अब नाम से ही पता लग रहा है कि आगे वाले ट्राइंगल में क्या होगा, यूरो मतलब यूरिथ्रा होगा, यूरिथ्रा होगा, जेनाइटल मतलब मेल में तो जेनाइटल और जेनाइटल और यूरिथ्रा एक ही चीज़ होती है, मतलब एक से होता है ना सारा काम, लेकिन फीमेल में यूरिथ्रा अलग होता है, जेनाइटल अलग होता है। ओके, तो इन द केस ऑफ मेल आगे वाले ट्राइंगल में क्या मिलेगी, यूरिथ्रा, एंड फीमेल में क्या मिलेगी, यूरिथ्रा प्लस वजाइना, और इन बोथ केस मेल एंड फीमेल पीछे वाले ट्राइंगल में आपको एनस मिलेगा। ओके, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, बीच में होता है एक गोल गोल पार्ट जिसे बोलते हैं हम पेरिनियल बॉडी। ओके ओके, तो मैंने आपको टोटल पांच पॉइंट दिखाए आपको, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कॉक्सिजियस टिप, कॉक्सिक्स टिप, ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी, और बीच वाला क्या है, दिस इज पेरिनियल बॉडी। ओके, और हमने बोला कि जो दो ट्राइंगल बने आगे वाले ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, तो दिस इज यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। और जो पीछे वाला ट्राइंगल होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एनल ट्राइंगल। यूरो मतलब यूरिनरी ब्लेडर, मतलब यूरिथ्रा होगा, जेनाइटल मतलब जेनाइटल ओपनिंग्स होगी, फीमेल में वजाइना एंड मेल में यूरिथ्रा ही होगा, क्योंकि दोनों काम एक से होता है मेल में, एंड दिस इज एनल ट्राइंगल। ओके, और देखिए इनके और भी नाम हैं, या तो आप यूरोजेनाइटल ट्राइंगल बोल दीजिए या बोल दीजिए एंटीरियर पेरिनियम, क्योंकि यार प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे होता है ऑफकोर्स, और कॉक्सिक्स पीछे होता है, वर्टिब्रा पीछे ही तो होती है, तो इसे बोलते हैं हम एंटीरियर पेरिनियम। एंड इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर पेरिनियम। ओके, तो जो ये पीछे वाला हो गया हमारे पास एनल ट्राइंगल, और आगे वाला क्या हो गया, दिस इज यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और ये क्या हो गया, दिस इज, ये हो गया हमारे पास
पेरिनियल बॉडी। तो दिस इज पेरिनियल बॉडी, ओके, ये बीच वाला, ओके तो ये हो गया। अब देखिए हमें पढ़ना है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल को, हमें पढ़ना है एनल ट्रायंगल को। तो मैं इधर पूरी बात करूँगा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल की, इधर मैं पूरी बात करूँगा एनल ट्रायंगल की। अब आते हैं, हमने पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में बैठाया, तो सबसे बाहर आपको क्या दिखेंगे, आपको यूरेथ्रा की ओपनिंग दिखेगी, वेजाइना की ओपनिंग दिखेगी, एनस की ओपनिंग दिखेगी, क्योंकि बोला ना यूरो मतलब यूरिनरी ब्लैडर, जेनाइटर मतलब वेजाइना, एनल मतलब एनस, ओके। तो तीन छेद होंगे फीमेल में, दो छेद होंगे मेल में, ओके ये हो गया। तो वहीं सबसे बाहर दिखेगा मैं स्किन, फिर दिखेगा सुपरफिशियल फेशिया, फिर दिखेगा डीप फेशिया, फिर आएगा पेल्विक डायफ्राम, फिर आएगा हमारा लेसर पेल्विक, देन पेल्विक इनलेट एंड देन ग्रेटर पेल्विक, ओके। तो देखिए मैंने पूरा आपको सीक्वेंस बताया है, हम इसी सीक्वेंस को यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं, फिर बताते हैं इस सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्किन, स्किन के बाद क्या होता है सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद आपको क्या मिलेगा यहां पर डीप फेशिया। देखिए आप इसको भूल जाइए, ओके ये तो क्या था, ये तो था इन्फीरियर व्यू, ये क्या था पूरा का पूरा पेरिनियम, एक स्क्वायर शेप में पेरिनियम है। इसे कहाँ देखते हैं, जब हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन पर लेटाते हैं, और ये क्या है दिस इज इन्फीरियर व्यू, हम इसे नीचे से देख रहे हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये तो था फ्रंट, ये तो था इन्फीरियर व्यू, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर मतलब कि हम जा रहे हैं एब्डोमन की तरफ, थोरेक्स की तरफ, ओके थोरेक्स छोड़िए, अब हम नीचे से ऊपर मतलब पेरिनियम से पेल्विक की तरफ जा रहे हैं, ओके पेरिनियम फिर पेल्विक आएंगे, पेल्विक के बाद कहाँ आएंगे एब्डोमन में, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पर यहाँ पर। तो स्किन, स्किन के बाद आपको मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डीप फेशिया, ओके डीप फेशिया के ऊपर क्या मिलेगा आपको पेल्विक डायफ्राम, एंड पेल्विक डायफ्राम जस्ट ऊपर क्या मिलेगा आपको, इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस, इसके जस्ट आपको ऊपर मिलता है लेसर पेल्विस, ओके लेसर पेल्विक है जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा पेल्विक इनलेट, एंड पेल्विक इनलेट के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा ग्रेटर पेल्विस, ओके ये हो गया। देखिए ये सीक्वेंस है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर स्किन, स्किन के बाद मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया, मतलब मैं अब ऐसे जा रहा हूँ ऐसे अंदर ट्राइंगल्स के अंदर जा रहा हूँ, ओके। तो स्किन इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है नीचे वाला, अब ये अलग अलग स्टार्ट है, आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। इधर पूरे यूरोजेनाइटल की बात करेंगे, इधर पूरा एनल ट्राइंगल की बात करेंगे, ओके। तो स्किन, स्किन के बाद होगा सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, डीप के बाद पेल्विक डायफ्राम। देखिए अभी हम मसल्स की बात करेंगे, सारी मसल्स मैंने बोला ना, मसल्स का मैंने बोला ना, मसल्स का एक कॉमन चार्ट आएगा, तो सारी मसल्स की बात हम उस पेज में कर देंगे। तो डीप फेशिया, पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम दो होती है ना, लिवर ट्रेनियन कोक्सीजियस एंड उसके बाद लेसर पेल्विस, ये अब ये हो गया। अब देखिए आपको पता होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट के बेसिस पे हम हमारे पेल्विस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर पेल्विस एंड लेसर पेल्विस। देखिए ग्रेटर पेल्विक इनलेट के ऊपर क्या है, पेल्विक इनलेट के ऊपर है हमारा ग्रेटर पेल्विस, जिसे बोलते हैं हम फाल्स पेल्विस, ओके दिस इज फाल्स पेल्विस, ओके। एंड लेसर पेल्विस इसे क्या बोलते हैं, ट्रू पेल्विस, टी आर यू ही, ओके तो दिस इज ट्रू पेल्विस। उसके बाद क्या होगा, पेल्विक डायफ्राम। और देखिए पेल्विक डायफ्राम टू, ये जितना भी एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पेरिनियम, पेल्विक डायफ्राम के नीचे वाला पूरा पार्ट। देखिए यहाँ पर दो लैंडमार्क हैं, एक तो है पेल्विक डायफ्राम, एक है पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, पेल्विक इनलेट के ऊपर क्या होगा फाल्स पेल्विस, पेल्विक इनलेट के नीचे क्या होगा ट्रू पेल्विस, ओके। उसी तरह से पेल्विक डायफ्राम के ऊपर क्या होगा ट्रू पेल्विस, और पेल्विक डायफ्राम के जस्ट नीचे
पूरा का पूरा, ये डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, स्किन, ये क्या है, ये तीनों पॉइंट, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये तीनों पॉइंट किसके हैं, पेरिनियम के, मतलब पेल्विक डायफ्राम के नीचे का पूरा पार्ट क्या होता है हमारा, पेरिनियम। ओके, तो हमें अब हम इस वीडियो में जितनी भी बात करेंगे वो इतनी इसकी बात करेंगे, इसके किसकी, इसकी, पेल्विक डायफ्राम के नीचे पूरे पोर्शन की। ओके, तो आपको दिमाग में इतना रखना है, इसके ऊपर ट्रू पेल्विस, या फिर बोलती है जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस, जैसे आप पढ़ते हो ना गायनेकोलॉजी में। ओके, वो हो गया। तो अब हम आते हैं यूरोजेनेटिव ट्राइंगल, कि अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल में नीचे से ऊपर जाए तो हमें स्किन दिखेगी, स्किन के पास सुपरफिशियल फेशिया दिखेगा, डीप फेशिया दिखेगा, और फिर उसके बाद ये दिखेगा। तो हमें चेंजेस देखना है कि जब हम यूरोजेनेटिव ट्राइंगल्स में नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखेंगे, एंड एनल ट्राइंगल में जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या क्या दिखेंगे। ओके, तो वही बातें हमें करनी है, और उसी बेसिस पे हमने पूरे पूरे पेरिनियम को 7 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया था। ओके, अभी आपको हम 7 पॉइंट दोबारा नोट करा देंगे, पूरा चार्ट में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोजेनेटिव ट्राइंगल। हाँ, तो देखिए जब हम यूरोजेनेटिव ट्राइंगल में जाएंगे तो सबसे पहले आएगी स्किन। तो देखिए हमें स्किन के देखनी होती है नर्व सप्लाई, मतलब स्किन का इनर्वेशन, किसको कौन से नर्व सप्लाई करती है। तो देखिए जो यूरोजेनेटिव ट्राइंगल के ऊपर की जो स्किन होती है, ट्राइंगुलर स्किन वाला पार्ट होता है, इसकी हमें सारी नर्व्स पढ़नी होती हैं, एंड देन फिर जो एनल ट्राइंगल है उसकी सारी की सारी नर्व पढ़नी होती है कि एनल ट्राइंगल की स्किन को कौन सप्लाई करती है और इसकी स्किन को कौन सप्लाई करती है। ओके, तो अभी बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले हम देखते हैं मेन मेन पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं, फिर हम सारा का सारा आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। अब आते हैं सुपरफिशियल फेशिया। तो देखिए यूरोजेनेटिव ट्राइंगल का जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, इसकी दो लेयर्स होती हैं। तो ये काम के लिए तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसकी टू लेयर्स होती है। टू लेयर्स कौन सी, सबसे होगी, सबसे बाहर वाली होगी सुपरफिशियल लेयर, सबसे अंदर वाली होगी डीप लेयर। तो सबसे बाहर वाली हो गई हमारे पास सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल लेयर, और इसके जस्ट अंदर वाली होती है डीप लेयर। ओके, सुपरफिशियल लेयर बोल दीजिए या बोल दीजिए दिस इज अ फैटी लेयर, मतलब इसमें क्या होता है, फैट होता है। सुपरफिशियल लेयर या बोल दीजिए फैटी लेयर, फैटी लेयर, एंड डीप को बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेशिया कोली। ओके, डीप लेयर या बोल दीजिए मेम्ब्रेनस लेयर, और इसका एक स्पेशल नाम भी है साइंटिस्ट के नाम पर, इसे बोलते हैं हम कोलीज फेशिया, COLES, कोलीज फेशिया, या बोल दीजिए मेम्ब्रेनस लेयर, MEMBRANOUS, मेम्ब्रेनस लेयर। ओके, तो ये हो गया। देखिए इस अभी हम यहाँ पे जो चार्ट बना रहे हैं, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, जनरल कॉन्सेप्ट। एक होता है आपको कुछ ना आए, एक होता है आपको कुछ ना कुछ आए। ओके, तो आप इससे मैक्सिमम परसेंट, मतलब मैक्सिमम पेरिनियम आप समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, एक बात आया हम डीप फेशिया में। तो देखिए जो हमारा पेरिनियम, जो हमारा यूरोजेनेटिव ट्राइंगल का डीप फेशिया होता है, वह क्या होता है, थिक होता है, मोटा हो जाता है। वह क्या हो जाता है, थिक, THICK। अगर थिक हो गया तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। मतलब यूरोजेनाइटल ट्राइंगल का जो डीप फेशिया होता है वो मोटा होता है, और उसे क्या बोलते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ओके, ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन हमने बोला कि डीप फेशिया थिक हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ओके, मतलब पेरिनियल मेम्ब्रेन दिस इज डीप फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। देखिए मैं अभी एनल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं पूरी बात करूँगा यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की, इधर मैं पूरी बात करूँगा एनल ट्राइंगल की। ओके, तो अभी हम यूरोजेनाइटल देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो इसके ऊपर स्पेस प्रेजेंट होगा, जो इसके ऊपर जो खाली स्थान होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा या फोसा होगा, उसे क्या बोलते हैं, डीप। हमने क्या बोला, हम स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप, मतलब हम नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं ऑफ कोर्स, मतलब हम पेरिनियम टू पेल्विक जा रहे हैं। देखिए ना, पेल्विक डायफ्राम, लेसर पेल्विक, ग्रेटर पेल्विक, और ये पूरा का पूरा पेल्विक पेरिनियम रीजन है। पेल्विक डायफ्राम के नीचे पूरा क्या होता है, पेरिनियम, पेल्विक डायफ्राम के ऊपर क्या होता है, लेसर पेल्विस। ओके, ये हो गया। तो हम पेरिनियल मेम्ब्रेन के बेसिस पे जो यूरोजेनेटिव ट्राइंगल का जो स्पेस है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, डीप पेरिनियल स्पेस। पेरिनियल क्यों बोला, क्योंकि पेरिनियल मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिवाइड किया है। डीप क्यों बोला, क्योंकि ये अंदर की साइड है, और पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे वाला सुपरफिशियल होगा ना,
जैसे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ वाला सुपरफिशियल होगा, यहाँ वाला डीप होगा, तो इसे बोलेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिवाइड किया है, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या बोल दीजिए स्पेस। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे वाला होगा सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, तो दिस इज सुपरफिशियल सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या बोल दीजिए पाउच, एक ही बात है। और इसके जस्ट नीचे वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, डीप। यहाँ सुपरफिशियल फेशिया है देन डीप है, तो सुपरफिशियल होगा देन डीप होगा, इसे बोलेंगे हम डीप पेरिनियल पाउच या स्पेस, डीप डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच। ओके ये हो गया, ओके ये हो गया, तो हमने पूरा पढ़ लिया। ओके तो अब हमें देखिए यूरोजेनेटेड ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए एक बार। ओके सबसे पहले हमें पढ़ना है सुपरफिशियल फेशिया पूरा, उसके बाद हमें पेरिनियल मेम्ब्रेन को पढ़ना पड़ेगा, सॉरी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस को पढ़ना पड़ेगा, देन हम पेरिनियल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, देन हम डीप पेरिनियल स्पेस पढ़ेंगे। तो देखिए हमें जो सुपरफिशियल स्पेस या सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है इसको हम पढ़ेंगे टू पॉइंट्स के अंदर। ओके चलो अभी देखते हैं, मोटा मोटा बताते हैं, ये तो हो गया। ओके उसके बाद डीप के बाद आपको क्या मिलेगा, पेरिनियल पेल्विक डायफ्राम। ओके तो अब आते हैं दोबारा एक बार स्पीडली, हमें आए यूरोजेनेटेड ट्रायंगल में, तो ये है हमारा यूरोजेनेटेड ट्रायंगल। सबसे पहले हमें स्किन मिली, स्किन के बाद हमें क्या मिला, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, देन हमें मिली डीप लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया जिसे बोलते हैं कोलिज फेशिया, उसके जस्ट नीचे गए, उसके जस्ट ऊपर गए, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें क्या मिलेगा, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या पाउच, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें मिलेगा पेरिनियल मेम्ब्रेन, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें क्या मिलेगा, डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें क्या मिलेगा, पेल्विक डायफ्राम, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें मिलेगा पेल्विक लेसर पेल्विक, उसके जस्ट ऊपर गए तो हमें मिलेगा पेल्विक इनलेट, एंड इसके जस्ट ऊपर गए तो हमें मिलेगा पेल्विक ग्रेटर पेल्विस। ओके ये हो गया, अब आते हैं हम यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में, सॉरी एडल्ट ट्रायंगल में। तो अगर हम इसमें नीचे से ऊपर जाए तो हमें क्या क्या मिलेगा वही देखना है हमको। ओके तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल्स, ये बहुत ही सिंपल है। ओके तो पहले हमने कॉम्प्लिकेट देख लिया, अब सिंपल पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं है यार, वही जैसे हमने यहाँ पर स्किन का इनर्वेशन पढ़ना होता है तो यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे हम, स्किन का इनर्वेशन मतलब स्किन की नर्व सप्लाई, कि जो एनर ट्रायंगल है ये नीचे वाला है, इसमें जो स्किन होती है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है वो पढ़ना होता है, तो बाद में बात करेंगे, अभी हमारा एम है हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके तो ये हो गया, अब देखिए उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, इसमें कोई लपड़ी वाली बात नहीं है, इसके जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसमें ओनली फेट ही फेट होती है, इधर कोई दो लेयर नहीं मिलेगी, मतलब आपको इधर कोलिज फेशिया नहीं मिलेगा, डीप एंड सुपरफिशियल लेयर नहीं मिलेगी, डीप एंड सुपरफिशियल ओनली फॉर यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, इसके लिए कोई डीप और सुपरफिशियल नहीं है, ओनली सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा जिसमें आपको क्या मिलेगी, फेट मिलेगी। ओके ये हो गया, उसके बाद तो इधर मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया में ओनली फेट, खत्म काम।